ये यूपी है भैया, यहाँ नियम कानून सबके लिए बराबर है। यकीन नहीं होता तो बिना हेलमेट के बांदा की सड़कों पर दो पहिया वाहन लेकर निकल के देखो तो सही। जी हाँ, चाहे आप पुलिस वाले ही क्यों ना हो, आपका भी चालान जरूर कटेगा। अब स्कूटी के साथ खड़ी इन महिला पुलिसकर्मी को ही देख लीजिए, जो रोज बिना हेलमेट पहने स्कूटी से आना जाना करती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उनका तो चालान कट ही नहीं सकता। लेकिन बांदा में तो पुलिस वालों का भी जमकर चालान हो रहा है। दरअसल यातायात महा होने के चलते पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान में शामिल हो रहे हैं और लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन इन अपीलों को खाकी वाले ही दरकिनार कर जमकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन बांदा में ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन हो रहा है बल्कि इनके चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट पहने वाहन चला रहे 3 पुलिस कांस्टेबल का 1,000 रुपए का ई चालान काटा। ये देखकर आसपास मौजूद लोग दंग भी रह गए। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के DSP सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया, जो भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। यातायात माह के दूसरे दिन टोटरा चौराहे पर मुख्य पदाधिकारी यातायात द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों की चेकिंग जिसमें की जा रही थी, जिसमें जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उनके हम लोगों ने चालान किए हैं, जिसमें 3 पुलिस कर्मचारियों के भी चालान किए गए हैं, जिसमें एक महिला कांस्टेबल है, एक पुरुष कांस्टेबल है तथा एक SCP है, जिनसे बिना हेलमेट के 1,000 रुपये के कुल तीनों से 3,000 रुपये का ई चालान किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से हर कोई हैरान तो है ही, बल्कि लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो उनका भी चालान हो सकता है, जैसे इन पुलिस वालों का हुआ। VK News उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।